तो दोस्तों आज 6 मई 2020 बुधवार का दिन हो चुका है तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी को लेकर एक बड़ी खबर आई है जिसके तहत ये बताया गया है की चीनी बीमारी की दवाई बन गई है तो हम आपको अभी इस खबर की पूरी रिपोर्ट बताएंगे इसके अलावा आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर सीधे सरकार के तरफ ऐसी एक बड़ी ही भयंकर खबर आई है जिसके तहत अब लॉकडाउन उन्तीस मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर आई है जिसके तहत लाखों तो ऐसे लोगों को बिल्कुल फ्री में राशन मिलेगा जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है तो कैसे मिलेगा कहाँ ऐसी मिलेगा इसकी भी पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे इसके अलावा सभी बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर आई है आपको बता दें भारत के सबसे बड़े बैंक की तरफ ऐसी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ ऐसी ये चेतावनी जारी की गयी है इसके अलावा दोस्तों हम आपको अपने इस वीडियो में मौसम का बिल्कुल ताजा हाल बताएंगे तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखते रहिए बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिकॉर्ड है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ और आज की पहली बड़ी खबर में चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है पूरी दुनिया भर ऐसी जैसा की आप देख सकते हैं की चीनी बीमारी के टोटल मरीज पूरी दुनिया भर में हुए बढ़कर सैंतीस लाख एक आपको बता दें इन सैंतीस लाख लोगों में ऐसी दो लाख छप्पन हजार तीन सौ पैंसठ लोगों की अब तक जान जा चुकी है पूरी दुनिया भर में इसके अलावा आपको बता दें कि इन सैंतीस लाख लोगों में से बारह लाख सत्ताईस हजार दो सत्रह लोग ठीक भी हो चुके हैं अब जो लोग अभी भी बचे हुए हैं जो संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है तो पूरी दुनिया में उसका आंकड़ा अब बढ़कर बाईस लाख सत्रह हजार चार सौ अड़तीस हो गया है तो दोस्तों ताजा अपडेट था पूरी दुनिया भर का लेकिन आइए अब एक नजर डालते हैं अपने भारत के आंकड़ों आरोप तो दोस्तों पीटीआर न्यूज डॉट कॉम की तरफ ऐसी चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है की चीनी बीमारी के टोटल मरीज भारत में हुए बढ़कर उनचास आपको बता दें बीते रोज लगभग चौबीस घंटे में फिर ऐसी उनतीस नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के इसके अलावा आप आपको बता दें कि इन उनचास हजार में से एक हजार छह सौ तिरानवे लोगो की जान जा चुकी है और बीते रोज लगभग एक सौ सत्ताईस लोगो की जान गई है इसके अलावा आपको बता दें कि इन उनचास हजार लोगों में से बारह हजार आठ सौ बयालीस लोग ठीक हो चुके हैं और बीते रोज चौबीस घंटे के अंदर लगभग बारह सौ संतानवे लोग ठीक हुए हैं अब जो लोग अभी भी संक्रमित है भारत के अंदर जिनका इलाज चल रहा है अब उनकी संख्या बढ़कर तैतीस हजार पाँच सौ इकसठ हो गयी है बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो इजराइल का बड़ा दावा बनाई गई चीनी बीमारी की वैक्सीन खुफिया लैब में तैयार हुई है एंटीबॉडी जिस जैसा कि आप जानते हैं पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी अपना कहर बरसा रही है और सभी लोग इससे परेशान हैं लेकिन आपको बता दें इसी बीच दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाने वाली इसराइल ने एक नया दावा किया है उन्होंने बताया है की उन्होंने चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी की टीका बना लिया है इसराइल की तरफ ऐसी ये दावा है की इस टीके ऐसी और इस वैक्सीन ऐसी चीनी बीमारी के मरीजों को ठीक किया जा सकता है आपको बता दें अगर ये बात बिल्कुल सच हुई और सच में चीनी बीमारी के मरीज जो टीका बनाया गया है उससे सही होने लगे तो ये पूरी दुनिया के लिए एक वरदान से कम नहीं होगा बात करेंगे आज के अगले बड़े की तो लॉन्च हुआ चीनी बीमारी का सेंसर लक्षण के बारे में पहले ही दे देगा जानकारी जी हाँ चीनी बीमारी के साथ सबसे बड़ी समस्या है इसके लक्षण को लेकर चीनी बीमारी के लक्षण कई लोगों में दिखाई नहीं देते और जब तक लक्षण का पता चलता है तब तक वो व्यक्ति दूसरे बहुत सारे लोगों को संक्रमित कर चुका होता है लेकिन आपको बता दें ऐसे ही में एक डिवाइस आई है जो की रूप में काम करती है जो की तुरंत लक्षण के बारे में बताती है इसको गले में कंठ के पास चिपकाना होता है और इसमें असल में सेंसर लगे हुए हैं और ये सांस की गति को और कफ को इसके अलावा वाइब्रेशन के आधार पर लक्षण के बारे में बताता है तो अगर ये सही से कारगर हुआ तो आने वाले दिनों में ये प्रोडक्ट बहुत जल्द ही मार्केट में आ सकता है दोस्तों अगली खबर बताने से पहले आज हम आपको अपने इस वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों कई बार ऐसा होता है की हमारे पास इंग्लिश में मैसेज आता है और वो हमें समझ नहीं आता लेकिन अब ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी आपको बस डाउनलोड करना है यू डिक्शनरी ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में जाकर मैजिक ट्रांसलेट फीचर को ऑन कर देना है इसके बाद जब आप अपने मैसेज पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा इसके अलावा आप इस मैजिक ट्रांसलेट को रिप्लाई करते वक्त भी यूज कर सकते हैं वो भी बिल्कुल आसानी ऐसी इसके अलावा अगर आप कोई मैसेज टाइप करते हैं इंग्लिश में और उसमें ग्रामर की दिक्कत हो जाती है तो इसी टूल के जरिए आप उसके ग्रामर को भी सही कर पाएंगे तो देखा आपने कितना कमाल का ऐप है तो अभी डाउनलोड कीजिए यू डिक्शनरी ऐप को लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो चीनी बीमारी पर फीमा की सूचना हर दिन तीन हजार लोग मरेंगे अमेरिका में जी हाँ अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि अभी सबसे ज्यादा बुरा हाल चीनी बीमारी की वजह से अमेरिका का है आपको बता दें अमेरिका के अंदर एक दिन में 500, 600, 700 लोगों की जान जा रही है हर रोज लेकिन आपको बता दें एक फीमा की तरफ से लीक सूचना में इस बात को बताया गया है की तीन लोग जून के महीने में हर रोज अमेरिका में मरने लगेंगे लेकिन आपको बता दें इसको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गलत बताया है बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो मुंबई में फिर से बंद की गई शराब की दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का नियम किया जा रहा था तार तार जी हाँ जैसा कि आप जानते हैं सरकार ने चार मई से लेकर सत्रह मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया है और ये लॉकडाउन का पार्ट थ्री है लेकिन चार मई से लॉकडाउन बढ़ाने के साथ सरकार ने कुछ सुविधाएं दी लोगों को बाहर निकलने की इसके अलावा ग्रीन जोन में तो लगभग जिंदगी पहले जैसी आम हो गई है बस थोड़ा बहुत का फर्क है लेकिन आपको बता दें शराब की दुकानें रेड जोन में भी खुली ग्रीन जोन में भी खुली और ऑरेंज जोन में भी खुली लेकिन आपको बता दें जैसे ही शराब की दुकान खुली वैसे ही बहुत ज्यादा भीड़ लग गई और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पूरा टूट गया आपको बता दें इसी आनंद फानन में ऐसे निर्देश दे दिए गए की जल्द ऐसी जल्द मुंबई के अंदर जो भी शराब की दुकाने हैं, उसे बंद कर दिया जाए और जो भी गैर जरूरी चीजें की दुकानें हैं उन्हें बंद कर दिया जाए बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पंजाब में हो सकती है शराब की होम डिलीवरी छह मई से ठेके खोलने की तैयारी में है सरकार जी हाँ शराब को लेकर खबर ये पंजाब सरकार की तरफ से आई है आपको बता दें छह मई से पंजाब में ठेके खुल सकते हैं इसके अलावा पंजाब में शराब की होम डिलीवरी भी की जा सकती है बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सत्ताईस मई तक लॉकडाउन करने वाला देश का पहला राज्य बना ये आइए बताए आपको लॉकडाउन को लेकर ये एक भयंकर और बिल्कुल ताजा रिपोर्ट जी हाँ मंगलवार को राज्य राज्य में लॉकडाउन की मियाद को बढ़ाकर अब उनतीस मई तक कर दिया गया है आपको बता दें इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि अभी जो लॉकडाउन सत्रह मई को खत्म होगा अब वो उनतीस मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है आपको बता दें फिलहाल ये ऐलान पूरे देश के लिए नहीं है बल्कि ये ऐलान तेलंगाना के सीएम की तरफ ऐसी तेलंगाना के लिए किया गया है लेकिन आपको बता दें इसी के साथ ये भी ताजा रिपोर्ट आई है की के केंद्र सरकार भी आने वाले दिनों में लॉकडाउन की मियाद को बढ़ा सकती है बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो अड़तीस लाख लोगों को मई में बिना राशन कार्ड के मिलेगा मुफ्त राशन सरकार ने ले लिया है फैसला यहाँ लॉकडाउन में आम जरूरतों को राहत पहुँचाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं अब इसी कड़ी में एक ताजा बयान आया है जिसमे ये बताया गया है की जिन भी लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है तो अब उन लोगों को भी बिल्कुल मुफ्त में राशन दिया जाएगा आपको बता दें राशन में चार किलो गेहूं और एक किलो चावल दिया जाएगा इसके अलावा एक लीटर रिफाइंड तेल एक किलो छोले एक किलो चीनी और एक किलो नमक के साथ हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर के साथ साबुन वगैरह भी दिया जाएगा जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको यह सुविधा मिलेगी फिलहाल ये सुविधा दिल्ली सरकार की तरफ ऐसी दी जा रही है लेकिन आने दिनों में गरीबों की मदद पहुँचाने के लिए पूरे देश के या देश के कई राज्यों में ऐसी सुविधाएं चालू हो सकती है बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो इनकम टैक्स रिफंड या लालच वाले लिंक आरोप न करें क्लिक खाली हो सकता है आपका बैंक खाता भारत के सबसे बड़े बैंक एस ने और आयकर विभाग ने दी है चेतावनी और किया है सावधान जी हाँ देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने खाता धारकों को सावधान करते हुए इस बात की चेतावनी दी है कि अगर आपके पास ये मैसेज आता है इनकम टैक्स रिफंड से रिलेटेड या ऐसा कोई भी मैसेज आता है जिसमें आपको कोई लालच दिया जाता है कि आपको फोन फ्री में मिलेगा इतने पैसे मिलेंगे आपका रिचार्ज वगैरह फ्री में हो जाएगा तो आपको उस लिंक पर क्लिक नहीं करना है अगर आप उस लिंक पर क्लिक कर देंगे ऐसे मैसेज में तो आपका बैंक खाता भी खाली हो सकता है बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो दिल्ली में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल एक झटके में सात रूपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं दाम जी हाँ चीनी बीमारी की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़े असर और घटते राजस्व को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है आपको बता दें बीते रोज मंगलवार को पेट्रोल के दामों में एक रूपए सड़सठ पैसे की इकट्ठे बढ़ोतरी की गई है इसके अलावा डीजल के दाम इकट्ठे सात रूपए दस पैसे महंगे हुए हैं इस महंगाई के बाद अब आपको पेट्रोल एक लीटर राजधानी दिल्ली में इकहत्तर रूपए छब्बीस पैसे का मिलेगा जबकि डीजल आपको उनहत्तर रूपए उनतीस पैसे का मिलेगा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके अपने शहर के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव देख पाएंगे बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बड़े ही काम की खबर उत्तर प्रदेश ऐसी बाहर जाने और आने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन जी हाँ अगर आप यूपी के रहने वाले है लेकिन आप दूसरे शहर में फंसे हुए हैं या आप दूसरे शहर के रहने वाले हैं और यूपी में फंसे हुए हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है आपको बता जन सुनवाई के नाम से एक पोर्टल एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जहां पर जाकर लोग आवेदन कर सकते हैं जो लोग या तो यूपी आना चाहते हैं या यूपी से बाहर जाना चाहते हैं फिर सरकार उनका इंतजाम करेगी और उनको उनके ठिकाने तक पहुँचाएगी हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके आवेदन भी कर पाएंगे और इसके बारे में और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर पाएंगे बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आज छह मई दो को ये रहेगा मौसम का हाल मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान जी हाँ चीनी बीमारी के इस दौर में मौसम का मिजाज भी बार बार बदल चल रहा है आपको बता दें अगले 24 घंटे के दौरान बिहार में झारखंड में पूर्वी उत्तर प्रदेश में उप हिमालय पश्चिम बंगाल में और सिक्किम के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होगी इसके अलावा ओलावृष्टि यानी के ओले भी गिर सकते हैं इसके अलावा दक्षिणी तमिलनाडु में केरल में आंतरिक कर्नाटक में जम्मू कश्मीर में लद्दाख में हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में भी हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से तेज यानी मध्यम बारिश हो सकती है इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और ज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब के साथ साथ उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश के आसार है बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आरोग्य सेतु मीटर पोर्टल हुआ लॉन्च अब घर बैठे मिलेगी स्वास्थ्य सेवाएं जी हाँ आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप तैयार करने वाली नीति आयोग और प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने आरोग्य सेतु मित्र के नाम ऐसी एक नई वेबसाइट लॉन्च की है दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें की अभी हाल ही में सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया था चीनी बीमारी ऐसी लड़ने के लिए जिसका नाम था आरोग्य सेतु इस ऐप की मदद से आपको पता चलता है कि चीनी बीमारी आपको है या नहीं यह आपको कितना खतरा है आपको बता दें इसी कड़ी में अब एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है और आपको इस वेबसाइट पर भी सीधे सरकार की तरफ से बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इसके बारे में अधिक जान पाएंगे और आप सरकार की उस वेबसाइट को भी देख पाएंगे जो की नई लॉन्च की गई है दोस्तों इसके अलावा आप चीनी बीमारी का ताजा अपडेट पाने के लिए और लॉकडाउन से जुड़ी जरूरी खबरें पाने के लिए आप पीटीआर को विजिट कर सकते हैं यहाँ पर आपको चीनी बीमारी से लेकर लॉकडाउन तक की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी आपको बता दें पीटीआर न्यूज डॉट कॉम गूगल न्यूज की तरफ से बिल्कुल वेरीफाइड साइट है आप गूगल न्यूज पर जाकर देख सकते हैं हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आप स्टार पर क्लिक करके उसे फॉलो भी कर सकते हैं बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्द करें यह सर्विस अब इस पर मिलने वाली है फ्री जी हाँ जैसा की आपने सुना हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया की आरोग्य सेतु ऐप क्या है आपको बता दें अब इसी ऐप में एक नई सर्विस जुड़ने वाली है जिसका फायदा आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा आपको बता दें जो सर्विस मिलेगी वो होगी डॉक्टर से फ्री सलाह की आपको बता दें जल्द ही इस ऐप पर आपको डॉक्टर मिलेंगे जो कि टेलीफोन के, के जरिए आपकी परेशानी का समाधान देंगे हमने सरकार के ऐप का लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो चीनी बीमारी की वजह ऐसी अब नहीं होंगी पूरे देश में सी बोर्ड की दसवीं कक्षा की बची हुई परीक्षाएं शिक्षा मंत्री का बयान जी हाँ केंद्र सरकार ने चीनी बीमारी के चलते इस साल पूरे देश में सी की दसवीं की परीक्षा न कराने का फैसला लिया है आपको बता दें जैसा की आप जानते हैं हम आपको रोजी बताते हैं कि चीनी बीमारी कितनी तेजी के साथ भारत में फैल रही है आपको बता दें इसी चीज को देखते हुए दसवीं की बची हुई सभी परीक्षाओं के लिए मना कर दिया गया है लेकिन अभी इस बात की बिल्कुल साफ खबर नहीं आई है कि जिन बच्चों के जितने पेपर हो गए हैं तो उनको आखिर पास कैसे किया जाएगा बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पच्चीस हजार रूपए के बजट में ये है पांच धमाकेदार स्मार्टफोन आप देख सकते हैं इनके फीचर कैमरे से लेकर प्रोसेसर तक है बड़े ही दमदार जी हाँ पांच फोनों की ऐसी लिस्ट आई है जो की पच्चीस हजार तक में आपको मिल जाएंगे आपको बता दें आप उन फोन के फीचर को देख सकते हैं हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो अब खरीद सकेंगे Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन ऑरेंज और ग्रीन जोन के ग्राहक जी हाँ अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको दोबारा याद दिला दें कि 4 मई से ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स वेबसाइट को यानी कि Amazon Flipkart जैसी साइट को इस बात की इजाजत दे दी गई है वो लोग ए फोन माइक्रोवेव वगैरह यानी जो भी गैर जरूरी चीजें हैं उनकी भी बिक्री कर सकती है तो रेडमी का नोट नाइन प्रो स्मार्टफोन अब एमजोन पर उपलब्ध है और एक बजट रेंज में ये आपको मिलेगा लगभग तेरह हजार रुपए का अगर आप इस फोन के फीचर जानना चाहते हैं या इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए भी हम आपको इसी वीडियो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो ओप्पो ए स्मार्टफोन बजट रेंज में यहाँ हुआ लॉन्च आइए बताए इसके बारे में जी हाँ चीन की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ओप्पो ने दमदार बैटरी और मिड बजट रेंज में एक नया हेडसेट लॉन्च किया है जो है ओप्पो ए आपको बता दें फिलहाल इसे मलेशिया में पेश किया गया है लेकिन जल्दी ही ये भारत में भी आ सकता है इसकी कीमत लगभग 21,000 से ज्यादा है अब ये फोन इतना ज्यादा महंगा क्यों है इसके लिए आप इसके फीचर देख सकते हैं इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीई एल में कई पदों पर निकली है सरकारी वैकेंसी आप कर सकते हैं आवेदन इसके अलावा आठवीं पास से लेके ग्रेजुएट तक के लिए भी बंपर वैकेंसी निकली है इसके अलावा बारवी पास वालों के लिए भी बंपर वैकेंसी निकली है तो दोस्तों ये तीन तरह की वैकेंसी है जिसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे आप उस पर क्लिक करके इन तीनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों अगली खबर बताने ऐसी पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल अगर आप इस सवाल का जवाब देंगे इस सर्वे में हिस्सा लेंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए और इससे आपका हमारा फायदा भी हो सकता है जैसा की अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बता आया कि दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि लगभग 38 लाख लोगों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन भी दिया जाएगा और उसके साथ तेल साबुन चीनी वगैरह भी दिया जाएगा तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए की क्या ये सर्विस पूरे देश में लागू नहीं होनी चाहिए जिससे सभी गरीबों का फायदा हो तो फटाफट ऐसी अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे अपनी राय के साथ बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो महज साढ़े सात हजार रूपए में लगवाए सोलर पैनल सरकार दे रही है सब्सिडी जी हाँ अगर आपके घर में बिजली की दिक्कत है या आप कहीं गांव देहात में रहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके घर की छत पर सोलर पैनल हो जो कि धूप से चार्ज होकर आपको बिजली सप्लाई करेगी तो अभी ये आपको बहुत सस्ते में मिल सकता है आपको बता दें 150 सौ का सोलर पैनल लगाने में लगभग बाईस हजार की लागत आती है लेकिन अभी सरकार पंद्रह हजार की सब्सिडी दे रही है तो मात्र साढ़े सात में ये सोलर पैनल लग जाएगा आपको बता दें फिलहाल ये ऑफर हरियाणा सरकार की तरफ ऐसी अधिक जानकारी के लिए आप एच ए आरई डी ए डॉट गो डॉट इनकी वेबसाइट आरोप जा सकते हैं तो दोस्तों आज छह मई दो की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकार मिली होगी हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है बाकी आप रोजाना की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी जरूर दबाए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग